तो गाइस हम लोग मेट्रो वॉक में पहुंच गए हैं एंड ये देखिए मेट्रो वॉक का व्यू। यहाँ कितना गंदा चल रहा था, धूल धूल डस्ट कितना है यहाँ पे, अभी बनाए गए रोड। हे गाइस गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी इवनिंग के 4 बजे हैं एंड आज हम लोग जा रहे हैं M2K नहीं, हम लोग मेट्रो वॉक जा रहे हैं। बट M2K मुंह में इतना चढ़ा हुआ है कि मुंह से M2K ही निकल गया। बट आज हम लोग फिर से मेट्रो वॉक जा रहे हैं और आप सभी को हैप्पी लोहड़ी एंड आई होप आप इस त्यौहार को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ सेलिब्रेट कर रहे होंगे। तो गाइज चलिए चलते हैं एंड आज मेरा भाई सुभाष ड्राइव कर रहा है और आराध्या और रियांश तो पहले से गाड़ी में बैठे हुए हैं एंड बस अभी यहाँ से निकलने ही वाले हैं। अरे ले लो ना। गाइस देखिए ये है मेगा मॉल, ये सेक्टर 24 का पॉकेट 18 में पड़ता है और हम लोग भी यहीं रहते हैं। देखिए लोग यहाँ पर कितना कुछ खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और वैसे भी लोहड़ी है बट यहाँ पे तो डेली ही बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो गाइस हम लोग मेट्रो वॉक में पहुँच गए हैं एंड ये देखिए मेट्रो वॉक का व्यू। यहाँ कितना गंदा चल रहा था, धूल धूल डस्ट कितना है यहाँ पे, अभी बनाए गए रोड। एंड गाइस दिल्ली में काफी ज्यादा पोल्यूशन है, धुंध है तो अभी इतना ज्यादा क्लियर नहीं दिख रहा है, आप देख सकते हैं। 50 रुपए वापस कर देना। तो गाइस पार्किंग चार्ज भी बढ़ गए हैं, कार की पार्किंग 50 रुपीज एंड बाइक की पार्किंग 30 रुपीज एंड ये भी अभी बढ़े हैं, पहले तो थोड़े से कम थे बाहर आने के बाद। तो गाइस देखिए हमने गेट के अंदर एंटर कर दिया है और गाइस वैसे तो हम यहाँ पे बहुत बार आ चुके हैं। रियाज तुम कितनी बार आए हो यहाँ पे? 11-12 बार। तो गाइस हम तो कई बार यहाँ पे आ चुके हैं, अगर काउंट करें तो हम यहाँ पे 30 या 40 टाइम्स आ चुके हैं। तो हम जब भी बच्चों के साथ आते हैं तो हम यहीं पे लेके आते हैं क्योंकि बच्चों के लिए यहाँ पे राइड्स हैं, काफी आउटलेट्स हैं, आप यहाँ पे शॉपिंग भी कर सकते हैं एंड यहाँ पर एडवेंचर आइलैंड भी है जिसका व्लॉग मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। तो गाइज फाइनली हमने गाड़ी पार्क कर दी है एंड गाइज देखिए यहाँ से सनसेट का व्यू, तो कितना ब्यूटीफुल सनसेट व्यू दिख रहा है देखिए यहाँ से आपको। देखिए मैं आपको और पास से दिखाती हूँ। तो गाड़ी यहाँ पे हमने पार्क कर दी है तो अब हम चलते हैं मेट्रो वर्क। गाइज हम लोग तो यहाँ पे उतर चुके हैं गाड़ी से लेकिन ये आराध्या है देखिए ये लेट कर जा रही है, इससे गाड़ी से निकलने के लिए कितना टाइम लग रहा है और अभी तक देखिए इसने शूज भी नहीं पहने हुए हैं, शूज पहनेगी जब जाके निकलेगी। तो इसने हमें ऑलरेडी बहुत लेट कर दिया है एंड गाइस दिल्ली में इतना ज्यादा पोल्यूशन है कि पहले ये जो आपको प्लांट्स और ट्रीज दिख रहे हैं ये बहुत ज्यादा ग्रीन दिखते थे बट अब लग रहा है कि इन पे एक धूल की परत जमी हुई है और बिल्कुल भी ग्रीनरी नहीं दिख रही है, धूल से भरे हुए पेड़ पौधे लग रहे हैं आप देख सकते हैं। पहले इनको देखते हुए मन को इतना सुकून मिलता था बट आज ऐसा लग रहा है जैसे कितने गंदे से दिख रहे हैं ये, आपको आपको भी लग रहा होगा, हमें तो लग ही रहा है। एंड गाइज ये देखिए साथ साथ में अपनी डॉल लेके भी चलती है ये, क्योंकि जब भी ये कहीं पर भी जाती है, हम किसी मॉल में आते हैं इसको हर बार एक डॉल चाहिए होती है, एक टॉय चाहिए होता है। तो इस बार ये टॉय के लिए हमें परेशान ना करे, ये ना बोले कि मेरे लिए टॉय फिर से लो, तो इसलिए आज इसे घर से ही एक डॉल लेके साथ साथ भेजा है कि ताकि इसको याद रहे कि इसके पास टॉय है, पास ऑलरेडी पहले से टॉय है तो ये टॉय के लिए हमें परेशान नहीं करेगी। तो हमें एक अच्छा आइडिया मिला है कि जब भी घर से जाओ तो इसके पास एक टॉय होना चाहिए, लेकिन आप देखना फिर भी मांगेगी क्योंकि ये बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं होती जबकि पूरा घर टॉय से भरा हुआ है, बस सेटिस्फेक्शन तो है ही नहीं। और देखिए कैसे आगे आगे जाई जा रही है, ये कितना भी घूम ले मगर फिर भी इसकी एक्साइटमेंट बिल्कुल कम नहीं होती है घूमने के लिए। तुम अब स्कूटी में बैठ गई? अरे सिंगल स्टैंड में बेटा, वो किसी की भी स्कूटी में बैठ जाती हो यार, मैं सच्ची मुझे गाइज इन्होंने जो पकड़ा हुआ है ना, हमें लग रहा था जैसे ये कोई बेबी है बट ये टेडी बियर है। हम लोग आ चुके हैं मेट्रो वॉक में एंड ये देखिए मेट्रो वॉक का एंट्रेंस गेट एंड देखिए यहाँ पर कितने स्विंग्स है बच्चों के लिए और काफ़ी बच्चे एंजॉय भी कर रहे हैं और वैसे भी आज लोहड़ी का फेस्टिवल है तो बहुत ज़्यादा लोग आए होंगे
और यहाँ पे आके एंजॉय कर रहे हैं। यहीं हमें इस गेट से एंटर करना है। ये भी एक तरह का स्विंग है, इसमें भी बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। आज मेट्रो वॉक आए हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा रश है और हम भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। ऑडियंस और आराध्या तो आगे आगे जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा खुश है। वैसे ही बच्चों को तो बाहर घूमना ही पसंद है। गाइज देखिए बच्चे यहाँ पर बंजी जंपिंग भी कर रहे हैं और रियाज ने तो पहले भी इसका एक्सपीरियंस लिया हुआ है। और रियाज तूने ये जब बंजी जंपिंग किया था तो कैसा फील किया था? अच्छा था, बहुत मजा आया था। डर लगा था? नहीं। तो गाइज वैसे भी रियाज तो बहुत ही ज्यादा एडवेंचरस बॉय है तो इसको तो बिल्कुल डर लगता नहीं है। और अब हम आराध्या को बोल रहे हैं कि आराध्या तुम करोगी, तो आराध्या कह रही नहीं मैं डरता हूँ। गाइज अभी आराध्या ट्रम्पलिंग कर रही है और देखिए आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही है। और ये जब भी आती है मेट्रो वॉक तो ये इसी में ही स्विंग करती है, इससे यही स्विंग बहुत ज़्यादा पसंद है। और देख सकते हैं कितनी ज़्यादा हैप्पी दिख रही है। एंड फाइनली रियांस भी बंजी जंपिंग कर रहा है और ये स्विंग इसने पहले भी लिया हुआ है बट हाँ आई नो दैट। और ये इसको पहले से इसका एक्सपीरियंस है और आज की सेकंड टाइम एक्सपीरियंस ले रहा है, थर्ड टाइम। अच्छा नाउ स्टार्ट। हाय रियांस, रियांस हाउ आर यू फीलिंग? आर यू एंजॉयिंग? नो यस गाइस आप देख सकते हैं रियांस कितना ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, इसको बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। और यहाँ आराध्या ट्रम्पलिंग गेम कर रही है, इसको तो ट्रम्पलिंग ऐसे पसंद है। और देखिए यहाँ पे लेट भी गई है, यहाँ आराध्या ट्रम्पलिंग कर रही है और वहाँ रियांस बंजी जंपिंग कर रहे हैं और दोनों ही बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। एंजॉय करते हैं और ये सभी की बस की बात भी नहीं है कि इस पर राइड कर सके। इन देखिए यहाँ पे किड्स भी राइड कर रहे हैं, कई बच्चे कार ड्राइव कर रहे हैं आप देख सकते हैं। तो
छोटे से लेके बड़े बच्चों के लिए यहाँ पर हर तरह की राइड्स हैं। एंड धीरे धीरे काफ़ी लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। एंड देखिए ट्रेन फिर से आ गई है और इस ट्रेन में आराध्या और मैंने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया है। देखिए यहाँ पे लकड़ियाँ भी इकट्ठी की हुई है, तो यहीं पे लोहड़ी सेलिब्रेट करेंगे। ए, हमारे बच्चे कहाँ चले गए? वाह, और ये देखिए डायनासोर का बेबी एग से बाहर निकल रहा है। निकल बाहर, चलो मम्मी को। तो गाइस देखिए ये भी डायनासोर है, तो बच्चे तो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग मेट्रोक में कई बार आ चुके हैं, बट फर्स्ट टाइम हम डायनासोर पार्क के अंदर एंटर कर रखा है हमने। इससे पहले हम इस पार्क में नहीं आए हैं। एंड देखिए डायनासोर अपना मुंह कैसे हिला रहा है, ऐसा लगता है जैसे ओरिजिनल है। हेलो, देखिए आवाज़ भी निकल रहा है। तो गाइज बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आया है ये डायनासोर पार्क। एंड आज फाइनली हम लोग डायनासोर पार्क के अंदर आ चुके हैं। एंड देखिए ये डायनासोर बेबी भी है, और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है बोर्ड पे प्लीज डोंट टच, तो आपको इसे टच नहीं करना है। रियांश तो डायनासोर के एग के अंदर घुसा हुआ है, देखिए आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है। एंड ये देखिए बिग डायनासोर। तो गाइज हमें तो बहुत ही अच्छा लग रहा है डायनासोर पार्क में आके। एंड आई होप आप भी इस पार्क को देख के बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। एंड ऐसा लग रहा है कि हम रियलिटी में डायनासोर्स को देख रहे हैं। और ये देखिए अपने टेल कैसे हिला रहा है डायनासोर। गाइस देखिए ये भी डायनासोर है। एंड ये देखिए ये मुझे डियर लग रहा है, डियर है ये। गाइस ये एलिफेंट है। एंड ये देखिए ये भी डायनासोर कैसे मूवमेंट कर रहा है, देखिए ऐसा लग रहा है जैसे रियलिटी का डायनासोर है ये, आप भी देख सकते हैं। हेलो डायनासोर, हेलो डायनासोर, हेलो। हाँ आराध्या और रियांश तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं, इन्हें तो ऐसा लग रहा है जैसे हम सच में ही डायनासोर पार्क में आ चुके हैं। एंड इन्हें तो ये रियलिटी के डायनासोर्स लग रहे हैं। ओ देखो, हेलो 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 बियर, हेलो बियर, हेलो बियर, हेलो बियर। रियांश को पकड़ो, रियांश को पकड़ो, रियांश को पकड़ो, रियांश को पकड़ो। गाइस आराध्या तो डर के भाग गई, देखिए इतनी ज्यादा डर गई है कि डर के बाहर निकल गई है डायनासोर पार्क से। गाइस यहाँ पर हर जगह बोर्ड पे ये वार्निंग लिखी हुई है प्लीज डोंट टच इट। सो आपको अगर आप इस पार्क में आते हैं तो आपको किसी चीज को टच नहीं करना है। अब हम डायनासोर पार्क से बाहर आ रहे हैं, तो यहाँ आके हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया और बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। रियली बहुत ज़्यादा अमेजिंग
था हमारे लिए तो यहाँ पर आकर। बाहर आ चुके हैं बट आराध्या अभी तक बाहर आने का नाम नहीं ले रही है, वो फिर से अंदर घुस रही है। अब हम आराध्या की स्केटिंग लेने आए हैं और इस शॉप में स्केटिंग, फुटबॉल, साइकिल, हेलमेट, बोटल्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल होती है और मोस्टली हम लोग इसी शॉप में आते हैं और ये शॉप मेट्रो वॉक में है। कहाँ गया? ये बंदा रहेगा। क्यों है जो अब चल? नहीं नहीं बेटा। है वो देखो। वो इन लाइन है ना? वो बिजनेस के लिए नहीं है। उसमें दिखा दो। मतलब इसका क्या होगा अगर ये इससे नहीं चला पा रही, मुश्किल हो रही है, तो आप इनको कल को कॉर्ड्स करवा सकते हैं। हाँ यहीं पे हो जाएगा, ये कॉर्ड्स हो जाएंगे। अरे जैसे क्या प्राइस है ये वाले पर आपके कॉर्ड्स नहीं हो पाएंगे? नहीं मुझे कॉर्ड्स वाले चाहिए। ये ठीक है, ये कॉर्ड्स हो जाएंगे, बाद में लाइन भी हो जाएंगे। हाँ ठीक है, मेरे वाले कॉर्ड्स नहीं हो पाएंगे। गाइज ये शॉप 365 डेज ओपन रहती है एंड यहाँ पर आपको बच्चों से लेके बड़ों तक की सभी चीज़ें मिल जाती हैं और वो भी बहुत बेस्ट क्वालिटी में एंड काफ़ी अच्छे प्राइस में। वाइब्रेटिंग हो रही है, बहुत अच्छी आराम मिल रहा है यहाँ, आजकल यहाँ लगाना। कैसी है? हाँ काफी अच्छा मसाज है। तो गाइस फाइनली हमने आराध्या के लिए स्केटिंग खरीदी और मेरे भाई ने मसाजर खरीदा है। अब हम यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं और देखिए लोडी भी स्टार्ट हो गई है, तो अब चलते हैं लोडी लगने के लिए। एंड गाइस फाइनली लोडी स्टार्ट हो गई है, आप देख सकते हैं। और आराध्या मेरे भाई के साथ जा रही है, फिर से राइड ले रहे हैं। गाइस इनका तो मन बिल्कुल भी नहीं भरता है, अगर हम मेट्रो वॉक में रहेंगे तो ये तो बार बार राइड्स के बोलते ही रहेंगे। गाइज रियांस और आराध्या को अभी भूख लग चुकी थी और हम भी काफ़ी टाइम से घूम रहे थे, तो इसलिए अब हम बर्गर किंग में आए हैं और यहाँ का जो बर्गर होता है स्पेशली चिकन बर्गर और चिकन नगेट्स बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस यमी होते हैं और आराध्या और रियांस को भी बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, तो इसलिए हम जब भी मेट्रो वॉक आते हैं तो हम यहीं पर ही आते हैं। कैसा रियांस? मज़ा आ गया रियांस को तो बर्गर। गाइज अब हम कहाँ हैं? गुनू हम कहाँ हैं? गुनू तुम किधर आई हो बताओ। अरे हट जाओ, बर्गर किंग। बर्गर किंग में आए हैं और गुनू कोल्ड ड्रिंक पी रही है और साथ में बर्गर खा रही है। चिकन बर्गर? चिकन बर्गर, चिकन बर्गर है, चिकन बर्गर। बस हो गया। और यहाँ का ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी होता है और बच्चों को, बच्चे खा रहे हैं चिकन नगेट्स। ये देखिए चिकन नगेट्स कैसे लग रहा है, चिकन नगेट्स बहुत ही अच्छा। आराध्या का फेवरेट है चिकन नगेट्स। गाइस अगर आप भी मेट्रो वॉक आना चाहते हैं तो आपको रिठाला मेट्रो स्टेशन पे उतरना होगा, क्योंकि मेट्रो वॉक का सबसे नियर का मेट्रो स्टेशन रिठाला मेट्रो स्टेशन है और आप यहाँ पे आके बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे एडवेंचर आइलैंड भी है जहाँ पे बच्चों के लिए बहुत सी राइड्स हैं और यहाँ पे झील भी है, आप यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत से रेस्टोरेंट वगैरह हैं जहाँ पे आप ईटिंग कर सकते हैं। तो गाइज मैंने इसके ऊपर पहले भी एक व्लॉग बनाया है और अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया है तो व्लॉग को लाइक शेयर कमेंट कीजिए एंड अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलूंगी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय।